हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है, फिर हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसके दो ही टॉपिक्स रहते हैं, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड डी मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब कि मेरिट क्या है, कि इसके बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन करने के बाद। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 एक्ट के अंडर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है और कोई भी 10 एडल्ट्स मिलकर इसमें बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल इजी फॉर्मेशन है, कोई डिफिकल्ट या एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है, इजी प्रोसीजर है अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर एक चीज़ में। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में मिनिमम वन मेंबर की अनलिमिटेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंपनीज दोनों ही केस में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस की, मेंबर्स से या पार्टनर से कोई इनका लिंक नहीं होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। मतलब तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई मेंबर बैंकरप्ट हो जाए, पागल हो जाए, मर जाए या कुछ भी हो जाए, छोड़ के चला जाए, डेथ हो जाए, मर जाए, तो उसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। इसमें स्टेबिलिटी रहती है, लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेंस इसमें रहती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, सभी के पास इक्वल वोट्स होते हैं, वन मेंबर वन वोट का जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। तो इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वोटिंग होती है हर एक डिसीजन के लिए, आइडियाज़ के लिए। कोई प्रॉक्सी अलाउड नहीं होती है। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि कोई किसी और के नाम से वोट नहीं दे सकता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो डिसीजंस लिए जाते हैं हर वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते हैं। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं वो किसी विदाउट रेम्यूनरेशन होती है। रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी और वेजेस। जो भी वोटिंग होती है, जो प्रेसिडेंशियल वर्क होता है, जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है, उसकी कोई भी सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है, तो इसमें कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। तो उस वो भी एक तरह से खर्चा बच जाता है। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है, मतलब कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है इनकम पे। दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल कि उनकी इनकम जो है 1 करोड़ रुपए की इनकम है, अगर वो 85% का भी खर्चा दिखा देते हैं तो उस केस में उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है इनकम पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट पेट्रोनेज। वैसे जो 85% का मैंने आपको बताया ये एक तरह से प्रैक्टिकल लॉ है, बुक में या सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपको बस खाली इतना याद करना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अर्निंग पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता है, उनको एग्जेम्पशन मिलती है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि उनको फ्रीडम मिलती है कि टैक्स पे नहीं करना है, उनको चॉइस नहीं है कि उनको फ्रीडम है कि टैक्स पे नहीं करना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट पेट्रोनेज। स्टेट पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं, लोन्स मिलते हैं, लिबरल एटीट्यूड मिलता है कि आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हैं और इजी टर्म्स पे आपके लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। तो तरह स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स भी नहीं है, फिर हम सभी करके दोबारा भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। मतलब कि ये अपने मेंबर्स को सप्लाई करती है गुड्स और सर्विसेज का चीपर रेट से, मार्केट से कम रेट पे, क्योंकि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जैसे हमने कि पढ़ा था कि बल्क में खरीदते हैं और फिर अपने मेंबर्स को सामान प्रोवाइड करते हैं चीप रेट पे, मतलब कि तरह रीजनेबल रेट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑन अदर बिजनेस। जैसे कि पहले पहले क्या होता था, 1991 से पहले, उससे भी बहुत पहले क्या होता था, कुछ बिजनेस हाई प्राइसेस पर सामान बेचते थे अपना प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मिलावट करते थे सामान में या कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते थे ज़्यादा चार्ज करके उसे, या कुछ कम सामान बेच के कम ज़्यादा रेट पे। तो वो क्या होता था कि उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आने की वजह से, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, सस्ते में सामान बेचती है, मतलब कि ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं रखती है, तो बाकी सभी कंपनीज को भी अपने प्राइसेस जो थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही रखने पड़े थे और क्वालिटी भी उनके अकॉर्डिंग रखनी पड़ी थी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन में अगर आपके कोई कंपनी है, कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है,
वो प्राइस रख रही है आपको 12 रुपये रख रही है सेम क्वालिटी का, तो आप अगर 15 रुपये रखोगे तो आपके कंज्यूमर सारे भाग जाएंगे, आपको कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से बाकी सभी बिजनेस पे भी चेक हो पाया था कि वो भी अपने प्राइसेस को अनमानी से बढ़ा नहीं सकते थे, ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते थे, क्वालिटी ख़राब नहीं कर सकते थे। इसका लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब होता है कि अपनी सारी पावर्स थोड़ी थोड़ी करके सभी में बांट देना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रीज़ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब पहले पहले क्या होता था कि कंट्री में जितने बिजनेसमैन होते थे सारी पावर्स उनके हाथ में होती थी कि वो जब चाहे प्राइस बढ़ा दें, जब चाहे कोई क्वालिटी घटा दें, गिरा दें, बढ़ा दें, वो चेंज कर दें, उनके हाथ में होती थी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आने के बाद से जो वो अपना अथॉरिटी का या अपनी पावर का मिसयूज़ करते थे वो नहीं हो पा रहा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग ही उनको प्राइसेस रखने पड़ रहे थे। तो उससे इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, इस सारी पावर्स इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइज हो रही थी, सभी में बट गई थी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेसमैन के हाथ में नहीं थी, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में बट गई थी। इवन हम दोबारा लेते हैं एडवांटेजेस के। पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन। 1912 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट है, उसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई लीगल चार्जेस प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना होता है, तो ये इजी फॉर्मेशन होता है। सोल प्रोप्रेटरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इसमें लाइबिलिटीज जो है अनलिमिटेड नहीं होती है, सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने पेमेंट कर रखी है, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटीज होती है। फिर नेक्स्ट स्टेबिलिटी, इसमें मेंबर्स अलग होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, रेपुटेशन, पर्सनैलिटी या उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, तो उस केस में इनकी स्टेबिलिटी रहती है कि अगर कोई मेंबर सारे मर भी जाते हैं तो सोसाइटी बंद नहीं होती है, वो चलती रहती है। डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन होता है तो वो बंद नहीं होती है, कोई और मेंबर्स आ जाए तो चलती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सभी डिसीजंस इसमें वोटिंग के थ्रू ही लिए रहते हैं, कोई भी मेंबर ज़्यादा शेयर खरीद के उसको ऑटोक्रेटिकली मैनेज नहीं कर सकता है, सभी के आइडियाज़ इसमें सुने जाते हैं, वन मेंबर वन वोट का प्रिंसिपल इसमें फॉलो किया जाता है। इस फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेसर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट के काम करता है, तो उसे कोई एडिशनल सैलरी नहीं मिलती है, तो उससे लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बच जाते हैं, लेसर लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स एडवांटेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास एक बेनिफिट मिलता है कि उन्हें टैक्स से बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स पे नहीं करना पड़ता है इनकम पे उनको, अर्निंग्स पे। फिर नेक्स्ट है स्टेट पेट्रोनेज, स्टेट पेट्रोनेज में क्या होता है कि इनको स्टेट गवर्नमेंट लोन्स भी देती है इजी टर्म्स पे, लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर उन्हें ग्रांट्स भी देती है। इन एम क्या होता है इन सोसाइटीज़ का कि पुअर सेक्शन को डेवलप करना, तो स्टेट गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, ये अपने मेंबर्स को सप्लाई करती है गुड्स का चीपर रेट पे, चेक ऑन अदर बिजनेसेस, बल्कि अपनी मर्जी से बिजनेस जो है प्राइसेस क्वालिटीज को बढ़ा या कम ना कर सके, उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही उन हर बिजनेस पे चेक रहता है कि वो अपनी मनमानी ना कर सकें, अपनी मनमानी से कुछ गलत कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। पहला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन बनाता है, पुअर पीपल बनाते हैं, फार्मर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स बनाते हैं, जिनके पास कैपिटल या फाइनेंस इतना नहीं होता है। तो पहला डिसएडवांटेज यही कि लैक ऑफ कैपिटल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो मिलके काम करते हैं, तो इसका मतलब ये कि उनके पास लैक ऑफ कैपिटल है, उनके पास फाइनेंस इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर जैसे कि कंपनी में हम बात करें तो किसी के पास 1 लाख रुपए के भी शेयर हो सकते हैं, 200 करोड़ रुपए के भी शेयर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अगर 5,000 इन्वेस्ट करेगा, कोई हज़ारों में इनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, जो ये मैनेजमेंट होते हैं मेंबर्स ही मैनेजमेंट करते हैं सभी की, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि मेंबर्स जो हैं उनके पास अच्छे स्किल्स हो, नॉलेज हो, वो मैनेजमेंट अच्छी कर सकें। कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कि आप मैनेजमेंट भी आपको आती ही हो, बस अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं वो सब कुछ। जैसे मतलब कुछ फार्मर्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हो सकता है वो मैनेज ना कर पाए हर चीज़ को, तो वो उसमें इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट होती है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट उन्हें कैश ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स में आपको बताया हुआ है कि कैश ट्रेडिंग क्या होता है, सिर्फ कैश में सामान बेचा या खरीदा जाता है, कोई क्रेडिट पर सेल परचेज नहीं होती है, आपके पास ऑप्शन है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको कैश ट्रेडिंग ही करनी है, लेकिन अगर किसी के पास कोई कैश नहीं है तो वो आपसे सामान नहीं खरीद पाया, तो एक तरह से वो डिसएडवांटेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो वॉलंटरी मेंबरशिप होती है उनकी, तो कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है,
तो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता है कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, इंटरफेरेंस होती है, वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रहती है, जो कि उनकी डेवलपमेंट में गुड साइन नहीं है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि सोल प्रोप्रेटरशिप में क्या होता है कि डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मेरे अर्निंग, मेरा प्रॉफिट, इनकम मेरी जो है वो ज़्यादा होगी, कम काम करूँगा तो कम होगी, तो उसे मोटिवेशन रहता है। पार्टनरशिप के भी केस में भी सेम है, जॉइंट इन द फैमिली के केस में भी कर्ता के लिए मोटिवेशन रहता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है एक तरह से कलेक्टिव एंटरप्राइज होता है पर्सन्स का, नो मेंबर टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी मेंबर का कोई पर्सनल बेनिफिट उसमें नहीं होता है, तो उस केस में इंडिविजुअल मोटिवेशन जो होता है गायब रहता है। वर्क में कोई मोटिवेशन से काम नहीं करता है क्योंकि उसका किसी का पर्सनल बेनिफिट उसमें नहीं होता है। फिर लाइक अ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे पब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट होती है, लॉस भी हो सकते हैं, तो उस केस में पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर इतना नहीं बन पाता, उनका भरोसा नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप है, किसी कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, तो सीक्रेसी इसमें नहीं रहती है। कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर वो कुछ करने वाले हैं तो वो सब में एक तरह से इनफॉर्मली फैल जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है, तो उससे सीक्रेसी नहीं रहती है। फिर लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। अब जैसे वॉलंटरी मेंबरशिप है, इसमें कोई को डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि किसको कितना का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस केस में म्यूचुअल झगड़े हो जाते हैं कि मुझे मेरा इतना शेयर बनता है, मुझे इतना कुछ मिलना चाहिए, या मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिया जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 15 लोग हैं या 35 लोग रहते हैं, 35 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई भी डिसीजन ले लिया जाएगा कि 18 प्लस 17 के डिफरेंस है, जो मेजोरिटी होगी वो डिसीजन ले लिया जाएगा। तो उस केस में जो 17 लोग जिनको जो फेवर में नहीं है वो डिस्प्यूट कर सकते हैं कि हमारी मर्जी के अगेंस्ट में डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इसमें एंथुसियाज्म भी डिसअपियर रहता है कि गायब रहता है, किसी काम को करने का मतलब एंथुसियाज्म नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 35 लोग काम कर रहे हैं, किसी का भी कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ठीक है, तो वो अपना पर्सनल मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे। मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे तो जो लोग मोटिवेशन से काम कर रहे हैं उनके साथ उनका डिस्प्यूट हो जाएगा कि वो करें, जब हम इतना दिन रात लगा के काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी दोबारा कर लेते हैं। बेनिफिट मेरिट्स में क्या है, इजी फॉर्मेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटीज है, स्टेबिलिटी क्यों है कि इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो किसी मेंबर के आने या जाने की वजह से इनका ये ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, 1% 1 वोट, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट के किसी भी पर्सन को आपको सैलरी नहीं देनी है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सभी मेंबर्स अपने सोसाइटी के ही हैं, उनको सामान खरीदने या बेचने के लिए कोई मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती है, टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, स्टेट से ग्रांट्स, टैक्स, लोन्स मिलते हैं इजी टर्म्स पे, अपने जो गुड्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं चीपर रेट्स पे, अदर बिजनेस पे चेक रहता है कि वो अपनी मर्जी से प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्वालिटी को गिरा नहीं सकते हैं। अब फिर हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। पहला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल का, क्योंकि ये लोग थोड़ी गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, इनके पास जो कैपिटल होता है, पैसा होता है, फाइनेंस होता है, लिमिटेड होता है, तो इस वजह से इनके पास लैक ऑफ कैपिटल का डिसएडवांटेज होता है। इनकम्पिटेंट मैनेजर्स से पुअर लोग होते हैं, इनके ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकता है कि ना भी हो, तो उस केस में इनके मैनेजमेंट जो है इनकम्पिटेंट होती है, इनके डिसीजन जो हैं कई बार इफेक्टिवली नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि कई बार डिसीजन इतने ना हो कि वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट कर सकें। कैश ट्रेडिंग होती है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, क्योंकि जो थोड़े गरीब लोग हैं वो उन्हें उधार सामान खरीदना तो वो नहीं खरीद सकते, जैसे बीज वगैरह, खाद वगैरह उनको चाहिए होता है तो वो नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहती है इनके मैनेजमेंट में कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होते हैं इनके। तो न्यू गवर्नमेंट डिजायर्स टू हैव इट्स ओन मेंबर्स, जैसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट थी उनके मेंबर्स होंगे, जब गवर्नमेंट बदल जाएगी तो उससे सोसाइटी से मेंबर भी कई बार बदल जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पॉलिटिकल बेसिस पर चलती है, ना कि बिजनेस लाइक मैनर में, तो जो कि डेवलपमेंट के लिए गुड साइन नहीं होता है। इनमें मोटिवेशन की कमी होती है क्योंकि किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी इसमें कम हो जाता है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है कि कोई भी मेंबर जो है फिक्स नहीं रहते हैं इसमें, सीक्रेसी की कमी रहती है और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स होते रहते हैं क्योंकि एंथुसियाज्म के लॉस होने की वजह से, सेल्फिश इंटरेस्ट की होने की वजह से, तो देर आर कॉमन कन्फ्लिक्ट एंड एंटरप्राइजेस डिक्लाइंस इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है, वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती है। डिक्लाइन का मतलब होता है कि डाउनफॉल शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। कल आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी शाम को 4 बजे की, और फिर हम मंडे से शुरू करेंगे आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस टू में भी अकाउंटेंसी में भी ये करीब आपका 30 से 40 नंबर का आता है, तो ये इस पर आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना होगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी आपका हो चुका है सोल प्रोप्राइटरशिप, हो चुका है पार्टनरशिप, हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हो चुका है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, हो चुका है, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर ही है जो थोड़ा बहुत बड़ा है, बाकी आगे थोड़े छोटे छोटे आ जाएंगे, तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है हर चीज़ का। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आपका मतलब कि समझ लो कि प्लस वन बिजनेस स्टडीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। तो अभी हम इसे कल डाउट्स लेंगे, कल शाम को 4 बजे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी, अभी तक का जो भी कुछ हुआ है। और ये था आपका चैप्टर, अभी कंप्लीट हो चुका है, कल से हम शुरू करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।